माइनस डाल रहे हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर 23 जून यानी रविवार को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और कार्यक्रम को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारी को दिए गए हैं, जहां वे घाटशिला में 100 करोड़ से ऊपर कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। वही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा बूढ़िया डैम का निरीक्षण भी किया जाएगा, साथ ही वह वृक्षों को रक्षाबंधन बांध कर वृक्ष संरक्षित करने का संदेश भी दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री घाटशिला में आयोजित मांझी परगना महल आदिवासी पारंपरिक सुशासन व्यवस्था के 14 महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और राज्य की परंपरा पर प्रकाश डालेंगे। 23 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है घाटशिला में, जिसमें 3 डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। पहला है कि सर का भी तक आया जो कि हम लोगों को पता चला है, बुरुडी डैम का अवलोकन किया जाएगा और वहाँ पर जो भी फॉरेस्ट इत्यादि से या टूरिज्म के जो प्रोजेक्ट हैं उसका सर निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको भी ट्रेनिंग इत्यादि का वो लोग अपना सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन। तो दूसरा एक जो रहेगा वो मऊ भंडार में जो HCL का ताम्र मैदान है वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से करवा सकें। और इसके अतिरिक्त सर का जो माझी परगना का एक उनका एनुअल बाय एनुअल एक फेस्टिवल होता है, जो महोत्सव रहता है जो उनका चल रहा है, तो 22 और 23 को है वो। उसमें 23 को आई हैव द नॉलेज की वो उनको चीफ गेस्ट के रूप में सर उसमें समापन समारोह में शरीक होंगे। तो ये 3 कार्यक्रम हैं जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि पिछला जो कार्यक्रम हुआ था मानगो में उसी तरह से इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छे से सफलतापूर्वक करा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GVN 24 News के साथ।